एसपी न्यूज़ स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत हार्दिक पटेल से। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान दे दिया। जी हां, अल्टीमेटम जारी कर दिया हार्दिक पटेल ने। उन्होंने कहा कि जल्द ही कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ देंगे और एक बार फिर पाटीदार आंदोलन की नई शुरुआत की बात की है। हार्दिक पटेल कह रहे हैं कि कांग्रेस में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। हार्दिक पटेल कह रहे हैं कि अब वो मजबूर हैं एक नया आंदोलन शुरू करने के लिए। बीते कुछ समय पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए थे हार्दिक पटेल और हमने भी देखा था कि हार्दिक पटेल किस तरह से कांग्रेस पार्टी की जमकर तारीफ कर रहे थे, प्रियंका गांधी के कामकाज की तारीफ कर रहे थे। लेकिन अगर हार्दिक पटेल जैसे नेता कांग्रेस से अलग होते तो इसका बड़ा नुकसान गुजरात के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। कांग्रेस छोड़ने का अल्टीमेटम तो हार्दिक पटेल ने दे दिया है, लेकिन देखना यह होगा कि क्या कांग्रेस हार्दिक पटेल को समझा बुझा पाती है और क्या वापस उन्हें मना कर उनकी जो स्थिति है उसको मानी जाएगी। क्या कुछ आगे आने वाले समय में देखा जाएगा, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कई नेता है जो फिलहाल पार्टी से नाराज चल रहे हैं, पार्टी की नीतियों से नाराज चल रहे हैं। तो पार्टी आलाकमान को तय करना पड़ेगा कि पार्टी के नेताओं को समझाया जाए, बुझाया जाए, उनको एक बैठक के जरिए बताया जाए कि पार्टी के लिए कैसे काम करना और किस तरह पार्टी भी उनके लिए सोचती नजर आ रही है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए जा दीजिए नमस्कार।